हमारे पतंग का इतना मांजा तेज है कोई तोड़ भी नहीं सकता उसको। नहीं नहीं ऐसा कैसा हालात है, हम इतनी अवाम उनके साथ है, ऐसा कोई हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा होगा भी नहीं। सुने आप लोग बेकार बात मत करिए, बेकार बोलो भी नको। सुने हम लोग पतंग को उड़ देंगे, हम पतंग को छोड़ देंगे हमेशा। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए असदुद्दीन अवैसी कुछ भी नहीं। देखो बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ हम बोलेंगे कुछ। देखो रहमतुल्लाह बरकातहू। आपका नाम? मेरा नाम फातिमा है जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं एचआरडी नगर तिगलगुंडे में रहती हूँ जी। आपके एरिया में तरक्याती काम कैसे चल रहे हैं? अच्छे है सब, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। नल लाइट सब, पानी की सब सहूलत है, दवाखाने की सब सहूलत है, असद साहब हमारे पास सब अच्छा रखे हुए हैं यहाँ पे जी। अब आने वाले कुछ दिनों में तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है, BRS है, BJP है, MIM है, आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं? हम पतंग को छोड़ डालेंगे, असद साहब हमारा हर दिन साथ दिए, हम असद साहब को डालेंगे वोट जी। कांग्रेस और BJP बोल रही कि मजलिस को जो है ओल्ड सिटी में हराती बोल रही। नहीं नहीं ऐसा कैसा हालात है, हम इतनी अवाम उनके साथ है, ऐसा कोई हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा होगा भी नहीं हमेशा। हमारे पतंग का इतना मांजा तेज है कोई तोड़ भी नहीं सकता उसको। सुने आप लोग बेकार बात मत करिए, बेकार बोलो भी नको। सुने हम लोग पतंग को उड़ देंगे, हम पतंग को छोड़ देंगे हमेशा। हम मुसलमान पूरे जने साथ हैं उनके साथ, असद साहब का, अकबर साहब का, MLA साहब का, सबका हम साथ ही छे जी। तो क्या कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए असदुद्दीन अवैसी कुछ भी नहीं? देखो बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ हम बोलेंगे कुछ। बोलते तो बहुत बोल देते है नहीं है, करने से कुछ फायदा होता। असद साहब यहाँ सब सहूलत से कर रहे हैं, असद साहब को हम सुकून से करेंगे सब अच्छा अच्छे से सब। हमारा वोट हम जीतेंगे भी, हम आप देखो फिर मीडिया में, मैं बोलूंगी भी आपको जीते हम बोल के।